नमस्कार मैं पारुल शर्मा योगा इंस्ट्रक्टर आपको आज कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज बता रही हूँ कोविड डायरेक्टली हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक कर रहा है तो हम कुछ ऐसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए डेली प्रैक्टिस में कि हमार हम इसको रेस्परेटरी सिस्टम को अपने मजबूत बना सकें बहुत सारे ऐसे प्राणायाम हैं वैसे तो लेकिन मैं कुछ ऐसी एक्सरसाइज और प्राणायाम आपको बताऊंगी जो आजकल हॉस्पिटल में बड़े बड़े डॉक्टर्स जो हैं अपने पेशेंट्स को करा रहे हैं जिससे इंस्टेंट आपका जो है ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज हो जाता है आप चाहें तो इसको करने से पहले अपना जो है ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं और जैसे ही आप ये एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खत्म करते हैं उसके बाद भी आप चेक करके देख सकते हैं आपको तभी इसका रिजल्ट मिल जाएगा आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा तो शुरुआत करते हैं हम भ्रामरी प्राणायाम से भ्रामरी प्राणायाम साइंटिफिकली और क्लिनिकली प्रूफ हो चुका है कि बेस्ट प्राणायाम है क्योंकि ये जो बॉडी के अंदर रेस्ट लंग्स में डायरेक्ट हमारे कोविड वायरस आ रहा है उसको स्प्रेड होने से रोकता है रीजन क्या है इसमें कि जब भी हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड लंग्स में इंक्रीज होना शुरू हो जाता है उसकी प्रोडक्शन जो है इंक्रीज होना शुरू हो जाती है और नाइट्रस ऑक्साइड में जो है बहुत अच्छी एंटीवायरल प्रॉपर्टी है जो कि वायरस को स्प्रेड होने से बचाती है तो चलिए शुरुआत करते हैं भ्रामरी प्राणायाम से कहीं पे भी आप प्रॉपर वेंटिलेशन जहां पे हो आप अपने घर पे अगर आइसोलेशन में है तो जहां प्रॉपर वेंटिलेशन है विंडो के पास कहीं पे भी बैठ जाइए एकांत जगह स्पाइन को सीधा कीजिए पहले अपने मन को शांत कीजिए कोई स्ट्रेस नहीं कोई तनाव नहीं थोड़ा सा लंबी गहरी सांस लेंगे इनहेल एक्सहेल इनहेल श्वासों के साथ अपने माइंड को कनेक्ट कीजिए लंबा गहरा सांस लिया और हम हनी भी की वाइब्रेशन हमिंग इन साउंड इनहेल एक लंबा गहरा सांस लेना है आपने और एक्सलेशन के साथ हमिंग बी की वाइब्रेशंस हमिंग बी की साउंड के साथ एक्सहेल करना है इसको आप तीन राउंड कर सकते हैं पांच पांच बार जो है इसको कीजिए तीनों टाइम बहुत अच्छा है मैंने जैसे आपको पहले ही बताया है नाइट्रस ऑक्साइड को जो है वो उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है जो जिसमें कि एक एंटीवायरल प्रॉपर्टी है और जो वायरस को स्प्रेड होने से बचाती है इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं ताकि आजकल जो है लोगों में स्ट्रेस और तनाव एंजाइटी बहुत ज्यादा है तो आप इसको इस इस तरह से अपने आप ईयर्स को बंद कीजिए दोनों हाथों को इस तरह से रखिए और लंबी गहरी सांस लीजिए इनहेल hmm. धीरे से वापस आ जाएंगे इस हमिंग साउंड को इन इस वाइब्रेशंस को पूरी बॉडी में अनुभव करेंगे चलिए फिर सेकंड प्राणायाम जो है उद्गीत प्राणायाम प्रणव उच्चारण ओम चेंट तो इसमें आपने लंबा गहरा सांस भरा और एक्सलेशन के साथ ओम की आवाज सांस भरिए मैक्सिमम इनहलेशन ओ पहले मैक्सिमम ऑक्सीजन का इनटेक करना है डीप इनहेल करना है और एक्सिलेशन के साथ ओम चेंट का, ओम का का उच्चारण इसको भी आप एक सेट में पांच पांच बार आपने ओम का उच्चारण किया और इस तरह से तीन सेट को कंप्लीट कर लिया ओम उच्चारण और उसके बाद हर प्राणायाम के बाद थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स किया उसकी वाइब्रेशंस को पूरी बॉडी में अनुभव कीजिए और बिल्कुल शांत और स्थिर रिलैक्स अब जो कुछ ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो कि आजकल हॉस्पिटल में लंग स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो हैं वो नर्सेस के थ्रू या फिजियोथेरेपिस्ट अपने पेशेंट को करवा रहे हैं वो एक्सरसाइज करेंगे सबसे पहले डीप ब्रीदिंग एब्डोमिनल ब्रीथ एब्डोमिनल ब्रीथ लंबा गहरा सांस भरा और पेट को पूरा फुलाना है आपने मैक्सिमम ऑक्सीजन मोस्टली जो हमारे हेल्थ इश्यूज जो हैं इसलिए हैं क्योंकि हम ऑक्सीजन अपने प्राणों पे प्राण जो कि हमारे श्वास है हमारे जीने का आधार है हमारे ये सांस हम उनको अवेयरनेस के साथ नहीं लेते हमें पता ही नहीं है कि सांस कैसे लेना है तो आपने क्या किया सांस भरा और मैक्सिमम नेवल को बाहर की तरफ पेट को फुलाया इनहेल वन मोर टाइम इनहेल

फिर एक बार फिर थोड़ा सा मन को शांत करेंगे स्थिर हो जाएंगे नेक्स्ट जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज आर्म्स की हेल्प से ब्रीदिंग के साथ सांसों को भरते हुए ऊपर की तरफ इनहेल टेक यू बोथ आर्म्स अप लुक अप इंटरलॉक योर फिंगर स्ट्रेच योर आर्म्स एक्सहेल डाउन वन मोर टाइम इनहेल टेक योर बोथ आर्म्स आप

इसके भी आप तीन तीन सेट कर सकते हो फाइव फाइव टाइम्स अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी जितना आप कर सकते हैं उतना ही कंफर्टेबल होकर करना है आपने और रिलैक्स किया नाउ थर्ड वेरिएशन दोनों हाथों को आगे लेकर आएंगे सांस भरते हुए ऊपर लुक अप एक्सहेल डाउन इनहेल आप Exhale down. Last one more time. Inhale, up look up. Exhale down. Now relax your shoulder. Inhale up. Exhale down. Relax. थोड़ा समन को शांत किया. एक-एक अपने body part को बंद आँखों से visualize करने की कोशिश. और रिलैक्स किया एक एक बॉडी पार्ट को ऑब्जर्व किया कहाँ पे आपको जो है स्ट्रेस है कहाँ तनाव है कहाँ पेन फील हो रहा है लंबी गहरी सांस भरिए और एक्सलेशन के साथ सारी पेन सारी थकान को सारे स्ट्रेस को एंजाइटी को बॉडी से बाहर रिलीज एंड पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कि यस आई एम फीलिंग बेटर एंड बेटर देन बिफोर हेल्दियर एंड हेल्दियर देन बिफोर थैंक यू सो मच